हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिस। मैंने पहले भी कहा था कि जो बेसिस है ये लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो बेसिस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिस है क्या। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिस एक्चुअली है क्या। ओके, तो हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था लीनियर स्पैन। ओके, LS। तो लीनियर स्पैन था क्या कि हमने कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लिए थे v1 v2 अप टू सो एन vn। ओके, और इस सेट ऑफ वेक्टर से जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन थे हमने उसे कहा LS। यानी कि इन वेक्टर से जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स बन रहे थे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद उसे हमने कह दिया LS। ओके, लेकिन ये जो S है ये इंटरेस्टिंग कब बनता है, जब ये S पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को क्या करे, स्पैन करे। यानी कि आप कुछ फाइनाइट वेक्टर से, यहाँ पे हमने n वेक्टर्स लिए हैं, इन n वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर हम पूरा का पूरा VF को जनरेट करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट बन जाता है। ओके, अब हमारा एम ये है कि हम कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लें और एक मिनिमम सेट बनाएं जो पूरा का पूरा VF को क्या करे, जनरेट करे। ओके, फॉर एग्जांपल V1 V2 अप टू VN के बीच में कहीं VR आता है और ये जो VR है हो सकता है इन बाकियों का क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो हम क्या करेंगे, इस VR को हटा देंगे। ओके, अप टू VN। अगर इसमें से मैंने VR हटा भी दिया तो भी जो ये बचे हुए वेक्टर्स हैं ये पूरे VF को स्पैन करेगा। ओके, क्योंकि VR जो है, एट लास्ट जो है, इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन था। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो भी जो ये बाकी बचे हुए वेक्टर्स हैं ये पूरे के पूरे VF को स्पैन करेंगे। ओके, तो इसी तरह से मैं क्या करना चाहती हूँ कि इन वेक्टर्स में जितने भी डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उनको हटाना चाहती हूँ और जितने भी बचे हुए इनडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो ढूंढना चाहती हूँ जो VF को क्या करे, स्पैन करे। ओके, तो हम एक ऐसा सेट ढूंढना चाहते हैं जो नंबर 1 पूरे के पूरे VF को क्या करे, स्पैन करे। ओके, और नंबर 2 ये आपस में क्या हो, इनडिपेंडेंट भी हो, इनडिपेंडेंट वेक्टर्स भी हो और वो क्या करे, पूरे VF को स्पैन भी करे। ओके, इनडिपेंडेंट से क्या होगा कि हमारे पास एक मिनिमल सेट मिल जाएगा। ओके, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे VR डिपेंडेंट हो रहा था, तो चाहे आप पूरा का पूरा सेट लो इंक्लूडिंग VR, वो भी VF को स्पैन करेगा। लेकिन अगर आप इस VR को हटा भी दो तो भी जो बचे हुए वेक्टर्स होंगे वो VF को स्पैन करेंगे। ओके, तो हमारा एम क्या है कि एक ऐसा सेट ढूंढना जो पूरे के पूरे VF को स्पैन करे और आपस में वो सारे वेक्टर्स क्या हो, लीनियरली इनडिपेंडेंट हो, और ऐसे ही सेट को हम कहते हैं बेसिस। ओके, सो लेट सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बेसिस। लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, अ सबसेट S इज इक्वल्स टू V1 V2 अप टू VN इज अ बेसिस। अगर मैं कोई सबसेट लूँ इस VF का जिसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो है V1 V2 अप टू VN, इसको हम बेसिस कब कहेंगे, नंबर 1 ये जो जितने भी वेक्टर्स हैं ये क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी क्या कि अगर मैं इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 वेक्टर के बराबर लूँ तो जितने भी स्केलर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, सेकेंड कंडीशन ये कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये स्पैन करने चाहिए पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को, दैट इज V इज इक्वल्स टू LS। LS यानी क्या, लीनियर स्पैन ऑफ S। तो ये किसके बराबर हो, पूरा का पूरा जो वेक्टर स्पेस है उसके बराबर होना चाहिए। दैट इज एवरी वेक्टर ऑफ V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S। यानी कि V का हर वेक्टर जो है S का क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ओके, सो ये होता है बेसिस। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, अगर मैं R2 की बात करूं, ओके, और मैं कुछ वेक्टर्स लेती हूं 1 0 01 और 11। ओके, आप इन तीन वेक्टर से पूरा का पूरा R2 जनरेट कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर मैं ये तीसरा वाला वेक्टर हटा दूं तो ये जो पहले दो वेक्टर्स बनते हैं ये भी पूरे के पूरे R2 को स्पैन करते हैं। यानी कि मैं इन दो से भी पूरा का पूरा R2 जनरेट कर सकती हूँ, हालांकि इन तीनों से भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जो तीसरा है इन दोनों से जनरेट होता है। आप 1 1 को लिख सकते हो 1 × 10 प्लस 1 × 01। यानी कि ये 1 1 जो है इन दो वेक्टर्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि ये 1 1 इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी ये जो दो वेक्टर्स हैं ये R2 को स्पैन करते हैं। ओके, सो ये दो कैसे हैं,
आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इस वेक्टर से जो है ना इसको जनरेट कर सकते हो, ना ही इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको जनरेट कर सकते हो. ओके, सो ये दो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, प्लस ये दो जो है आर टू को स्पैन करते हैं. आर टू के अंदर एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ए बी. ओके, मैंने इनको जो है कॉलम वेक्टर्स में लिखा है. पहले भी कहा था कि अगर वेक्टर्स को मैं इस तरह से लिखूं ए कॉमा बी, क्योंकि आर टू के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो डबलेट के फॉर्म में होंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, ए कॉमा बी. ओके, आर थ्री के अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी, ये बिलोंग करते हैं आर थ्री में. लेकिन आप इन्हीं वेक्टर्स को जो है कॉलम वेक्टर्स में भी लिख सकते हो. ओके, सो मैं बात कर रही थी कि अगर मैं आर टू का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लेती हूँ ए बी. ओके, सपोज मैंने ए बी आर टू से ले लिया, तो मैं इस ए बी को लिख सकती हूँ ए इंटू वन जीरो प्लस बी इंटू जीरो वन. ओके, क्योंकि आर्बिटरी कोई भी एलिमेंट है आर टू का, मैंने उसको लिखा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन जीरो एंड जीरो वन. इसका मतलब क्या कि मैं 10 और 01 से जो है पूरा का पूरा R2 को स्पैन कर सकती हूँ. ओके, यानी कि 10 और 01 से मैं पूरा का पूरा R2 जनरेट कर सकती हूँ. प्लस 10 और 01 कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 01 ये जो दो वेक्टर्स हैं ये क्या हैं? बेसिस हैं. किसके? R2 के. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि मैंने तीन वेक्टर्स लिए 10, 01 और 11, ये R2 को स्पैन करते हैं, लेकिन ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये बेसिस नहीं बनाते. ओके, लेकिन वहीं पर 10 और 01 ये जो है पूरे R2 को स्पैन भी करते हैं और आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए ये बनाते हैं बेसिस. ओके, तो यानी कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दू और वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है पूरे VF को स्पैन करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिस बन जाएगा. बेसिस बनने के लिए उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा. क्यों? देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट से हमें मिनिमम वेक्टर्स मिलते हैं. ओके, क्योंकि अगर आप उसमें एक और वेक्टर डाल दो तो आपस में डिपेंडेंट हो जाते हैं और वेक्टर्स की जो नंबर है वो बढ़ जाती है. लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट से हमारे पास एक मिनिमम वेक्टर्स मिलते हैं जो पूरे के पूरे VF को क्या करे? जनरेट करे. तो ये था बेसिस. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि हम बेसिस पढ़ते क्यों हैं. ओके, अब आप फ्यूचर में कोई जब भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वेक्टर स्पेस के लिए, तो आप पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस वहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे. अगर आप उस वेक्टर स्पेस का सिर्फ बेसिस ही कंसिडर करो, यानी कि अगर आप कुछ वेक्टर्स ही कंसिडर करो और उन्हीं पे वो प्रॉपर्टी चेक करो, तो अगर वो वेक्टर्स उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो वेक्टर स्पेस है वो भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. क्यों? क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है वो एक्चुअली उन्हीं वेक्टर से तो बना है. अगर यही वेक्टर्स उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस होगा वो भी उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो बेसिक आइडिया यही है बेसिस का पढ़ने का, कि हमारा जो काम है वो कम हो जाता है. पूरा का पूरा VF कंसिडर नहीं करना पड़ता, हमें बस कुछ वेक्टर्स लेके चलने पड़ते हैं और डायरेक्टली उन्हीं पर काम करना होता है. ओके, सो ये था बेसिस. अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेसिस के. ओके, तो R3 के बेसिस हैं 100, 010, 001, क्योंकि इन तीन से आप पूरा R3 स्पैन कर सकते हो, प्लस ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, आप ये खुद चेक कर सकते हो. ओके, उसी तरह से R2 के ये दो हैं बेसिस 10 और 01, और जो मैट्रिक्स है 2x2 का उसके ये बेसिस हैं 100. पहले आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, फिर यहाँ पे, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर. ओके, तो इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस. स्टैंडर्ड बेसिस. ओके, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको जहाँ पे आपको एलिमेंट चाहिए आप सिर्फ उसकी जगह 1 पुट कर लो. ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यही बस इनके बेसिस हैं, इनके अलावा भी इनके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर्थी का एक बेसिस है 2, 1, 4, 1, -1, 2 और 3, 1, -2. ओके, अब ये कितने अलग हैं इनसे. ओके, सो इन्हें कहते हैं, ये है स्टैंडर्ड बेसिस या फिर नेचुरल बेसिस, और ये हैं नॉन स्टैंडर्ड बेसिस. ओके, तो इसका मतलब ये है बेसिस जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि जो बेसिस हैं वो यूनिक नहीं होते.
ओके बहुत सारे आपको ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स मिल सकते हैं जो R3 को स्पैन करें और आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो बजाय इनके. ओके तो आपको बहुत सारे बेसिस मिल सकते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से आप R2 के लिए ढूंढ सकते हो R3, R4 अप टू RN. ओके तो RN का क्या होगा, RN का स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 अप टू N⁻⁰. ओके मतलब आप N एलिमेंट ले लीजिए, फिर दूसरा पहले वाली टर्म को 0 और सेकेंड वाली टर्म के पास 1 लिखना है, बाकी के 0. उसी तरह से 0 0 तीसरी टर्म पर 1 0 0 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में लास्ट वाली टर्म पे 1 आ जाएगा, यानी कि 0 0 अप टू 1. ओके तो इस तरह से आप कुछ स्टैंडर्ड बेसिस पता कर सकते हो R के सेट में. ओके यानी कि R वाले वेक्टर स्पेस में. तो इसका मतलब ये है कि बेसिस यूनिक नहीं होते. ओके सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अब एक नोट करने वाली बात है, वो ये कि सपोज मैं R2 का वेक्टर स्पेस कंसिडर करती हूँ. ओके और यहाँ से मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, मान लीजिए 3 4 ले लिया मैंने, एक वेक्टर ले लिया मैंने R2 से. ओके अब इस 3 4 को मैं जो है इस बेसिस के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो कैसा लिखा जाएगा, 3 4 विच विल बी इक्वल टू 1 × 3 × 1 0 प्लस 4 × 0 1. ओके अब एक चीज़ देखिए, इस 3 4 को जो लिखने का तरीका है बस आपको यही मिलेगा. ओके यानी कि 1 0 और 0 1 का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए और वो 3 4 के बराबर हो तो आपको सिर्फ 3 और 4 यही स्केलर्स मिलेंगे. यानी कि 3 4 को जो है 1 0 और 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने का बस यही एक तरीका है. कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए, कोई वी ले लीजिए वी एफ से, तो इस वी को इन बेसिस के, इसका जो बेसिस होगा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने का यूनिक तरीका होगा. ओके और यही हमारी अगली थ्योरम है. अगर मैं कोई सेट ऑफ वेक्टर्स ले लूँ v1, v2, vn और ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस हैं. ओके यानी कि ये जो s है ये बेसिस है vf का, देन एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. यानी कि मैं v के हर वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, वो भी कैसे, यूनिकली. ओके सो मान लेते हैं कि मैंने कोई v ले लिया vf से, क्योंकि s जो है बेसिस है, एस क्या है, एस इज बेसिस, तो मैं वी एफ के हर एलिमेंट को, हर वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ. यानी कि वी को लिखा जा सकता है a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू सो ऑन an vn. क्यों, क्योंकि ये बेसिस है, बेसिस है तो वी एफ को क्या करता है, स्पैन करता है. तो वी एफ के किसी भी वेक्टर को जो है इस v को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो मैंने लिख दिया v इज इक्वल्स टू av1 प्लस av2 अप टू सो ऑन an vn. ओके लेकिन ये थ्योरम कहता है कि ये जो लिखने का तरीका है ये यूनिक है. यानी कि मेरे पास ये a1 a2 अप टू an यही स्केलर्स होंगे, सच अ दैट कि अगर मैं इनको इन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे v मिलेंगे. ओके तो मतलब दूसरे स्केलर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो मान लेते हैं कि करते हैं, तो मान लिया कि v इज इक्वल्स टू b1 v1 प्लस b2 v2 अप टू सो ऑन bn vn. यानी कि मैंने v को जो है एक और तरीके से इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे स्केलर्स क्या हैं, b1 b2 अप टू bn. ओके अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. तो देखिए अगर मैं किसी वेक्टर को उसी में से ही सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 वेक्टर. यानी कि 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा, a1 - b1 × v1. ऐसा क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके तो यहाँ पे सपोज a1 v1 - b1 v1 है, तो इसको आप लिख सकते हो a1 - b1 × v1. क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर एडिशन, क्योंकि इसी को लिखा जा सकता है a1 + b1 × v1. ओके सो इस रीजन की वजह से यहाँ पे आप जो है v1 को कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये एट लास्ट vf के ही वेक्टर्स हैं.
ओके सो उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा जा सकता है ए टू माइनस बी टू इंटू वी टू अप टू सो ऑन ए एन माइनस बी एन इंटू वी एन। अब देखिए जो ये वी वन वी टू वी एन है ये कहाँ के वेक्टर्स हैं, ये बेसिस के हैं। ओके सो बेसिस के अंदर दो कंडीशन होती है उन वेक्टर्स पे, नंबर वन कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, नंबर टू वो स्पैन करते हैं वी एफ को। तो यानी कि ये जो वी वन वी टू वी एन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अगर इनका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ और वो जीरो वेक्टर के बराबर आता है, ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि इनके जो स्केलर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि ए वन माइनस बी वन भी जीरो के बराबर होगा, ए टू माइनस बी टू भी जीरो के बराबर होगा, उसी तरह से ए एन माइनस बी एन भी जीरो के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज कि ए वन जो है वो बी वन के बराबर है, ए टू जो है वो बी टू के बराबर है, ए एन जो है वो बी एन के बराबर है। ओके यानी क्या कि हमने दो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले थे लेकिन एक्चुअल में वो सेम ही थे। ओके सो यहाँ पे जो बी वन है वो एक्चुअली ए वन ही है। इसका मतलब क्या कि v को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो कैसा है, यूनिक है। ओके और ये किस चीज़ की वजह से हुआ, ये यूनिकनेस किस चीज़ की वजह से आई, वो इसीलिए क्योंकि ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके सो वो उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये v क्या हो गया, यूनिक, मतलब यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो आप इनको। ओके ओके सो अब तक हम जो है इन ए वन ए टू अप टू ए एन इनको हम कहते थे स्केलर। ओके लेकिन अब से हम इन्हें कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। ओके तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि सपोज मैंने v को जो है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ओके v इज इक्वल्स टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू अप टू ए एन वी एन, जहाँ पे ये वी वन वी टू ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये एक्चुअली बेसिस हैं। ओके बेसिस के वेक्टर्स हैं, तो अगर ये बेसिस के वेक्टर्स हैं तो उनके सामने जो स्केलर्स होंगे इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ओके इन्हें कहा जाएगा कोऑर्डिनेट। ओके अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस। ओके जैसे कि इसके नाम में ही है, जिस बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। ओके क्योंकि हम इसको सेट कह रहे हैं तो माना कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर हमने इन v1, v2, vn को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस। फॉर एग्जांपल R3 के अंदर ये दो बेसिस हैं, एक्चुअली ये दोनों सेम ही बेसिस हैं, मैंने सिर्फ क्या किया कि इस मिडल वाले को इस साइड ले लिया और लास्ट वाले टर्म को मिडल में और पहली वाले टर्म को लास्ट में ले लिया। ओके तो क्योंकि ये सेट है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता तो उस हिसाब से ये दोनों सेम ही बेसिस हुए। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इन वेक्टर्स को ऑर्डर में रखना है कि जैसे कि 100, 010 और 001 ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। ओके यानी कि 100 जो है हमेशा पहले ही आएगा, 010 जो है सेकेंड में आएगा और 001 जो है वो लास्ट में आएगा। ओके तो हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है। अब ऑर्डर्ड बेसिस इतना मायने क्यों रखता है, देखिए इन फ्यूचर हम जब भी कोई एग्जांपल सॉल्व करें तो सपोज कोई ए बी सी ले लिया मैंने आर थ्री से। ओके और इस ए बी सी को मैं लिखती हूँ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इसको आप नाम देते हैं ई वन ई टू ई थ्री। ओके सो ए बी सी को किस तरह से लिखा जाएगा, ए बी सी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह से लिखा जाएगा, ए इंटू ई वन प्लस बी इंटू ई टू प्लस सी इंटू ई थ्री। ओके ए इंटू ई वन बी इंटू ई प्लस सी इंटू ई थ्री। ओके तो यहाँ पर ऑर्डर्ड बेसिस का ये फ़ायदा है कि अगर मैं आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट दे दूँ ए बी सी तो आपको पता चल जाएगा ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस वेक्टर के सामने वाला है। ओके ए जो है वो ई वन का कोऑर्डिनेट है, बी जो है इस वेक्टर के सामने वाला स्केलर है और सी जो है ये वाले वेक्टर के सामने वाले का स्केलर है। ओके तो आपको अगर मैं आपके पास सिर्फ कोऑर्डिनेट दे दूं कि सपोज़ ये ए बी सी ये कोऑर्डिनेट हैं किसी वेक्टर के, तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस ए के साथ जो है ये वाला वेक्टर आता है। ओके ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि मैंने कह दिया है कि ये ऑर्डर्ड बेसिस के कोऑर्डिनेट हैं।
ओके तो ये मदद करता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ पे करते, अगर मैं इसी ए बी सी को जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूँ, ए बी सी, अगर मैं इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा, बी इंटू ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस सी इंटू ज़ीरो ज़ीरो वन प्लस ए इंटू वन ज़ीरो ज़ीरो। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है वेक्टर्स ऑर्डर्ड में है तो दिमाग में पहले से ही आ जाता है कि ये जो ए है इस वेक्टर के सामने वाले का है, ये जो बी है ये ई टू के सामने वाले का कोऑर्डिनेट है, और ये जो सी है ये ई थ्री वाले का सामने वाले का है। ओके तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं होता, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बनाते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। ओके ताकि हमें बाद में कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम ना आए, जब भी हम बाद में कोई थ्योरम करें जहाँ पे हमें मैट्रिक्स लेनी हो तो वहाँ पे हम ऑर्डर्ड बेसिस लेते हैं। ओके सो ये था बेसिस। अगले वीडियो लेक्चर में हम और भी बात करेंगे बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर जो भी थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके okay?